तुर्की और सीरिया में जारी तनाव की वजह से ग्रीस में शरणार्थी संकट गहरा गया है। इस संकट से उबरने के लिए यूरोपीय संघ ग्रीस को 700 मिलियन यूरो की आर्थिक मदद देगा, जिसमें से 350 मिलियन यूरो की मदद तत्काल दी जाएगी। चीन के बाद ईरान में कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। ईरान में कोरोना से अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 600 लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में हैं। पोप फ्रांसिस का कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव पाया गया। इटली के एक अखबार ने इस बात की पुष्टि की है। खराब सेहत की वजह से 83 साल के पोप ने पिछले हफ्ते कई सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। वो ऐसे समय में बीमार पड़े जब इटली कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से जूझ रहा है। कोरोना वायरस दुनिया भर में अपना पांव पसार रहा है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई। चिली में एक डॉक्टर में कोरोना से संक्रमण पाया गया। अर्जेंटीना के स्वास्थ्य मंत्री गायन गोंजालेस गार्सिया ने देश में पहले कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि की। पीड़ित शख्स इटली से यहां पहुंचा था। पहले मामले की पुष्टि के बाद अर्जेंटीना अलर्ट मूड में आ गया है। नेदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में नेशनल सॉकर मैनेजर्स ने साफ किया कि कोरोना वायरस ने लोगों की चिंता तो जरूर बढ़ाई है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। दरअसल वायरस की वजह से कई स्पोर्ट्स इवेंट्स को स्थगित कर दिया गया है और नेशंस लीग ड्रॉ करने को लेकर लोग चिंतित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कांगो में पिछले दो हफ्ते में इबोला के एक भी मामले दर्ज नहीं किए गए, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा यह अच्छी खबर है और बहुत जल्द इस पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। मेक्सिको में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां विरोध दर्ज कराने के लिए एक चर्च में मौजूद पवित्र देवी की मूर्तियों को नीले कपड़ों से ढक दिया गया। मेक्सिको में लंबे समय से महिलाएं जारी हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए दुनिया भर में नए प्रयोग किए जा रहे हैं। नेदरलैंड्स के एम्स्टर्डम के एक तट पर पहले फ्लोटिंग चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत हो गई और 2021 तक ऐसे कुल 100 पावर स्टेशन की शुरुआत होगी। ताहिती के आइसलैंड को 2024 पेरिस ओलंपिक सर्फिंग के लिए चुन लिया गया है। हालांकि ये जगह फ्रांस की राजधानी से 15,000 किलोमीटर दूर है। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने इसको मंजूरी दे दी है।